नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल और इरेशनल। इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 और इसमें अंडर रूट 5 की वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट 5 की वैल्यू आएगी करीब 2.2360 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2360 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। बहुत ही सिंपल है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 और 23 कट जाएगा, तो बचेगा केवल 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 2√7/7√7। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 7 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा केवल 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1/√2। 1/√2 को कैसे बताएंगे ये रैशनल है या इरेशनल है? सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी नंबर को कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो 1/√2 को रैशनलाइज करने के लिए √2 साइन हमें डिनोमिनेटर से हटाना होगा। तो इसके लिए हम √2 और √2 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अगला सवाल देख लेते हैं। 2π, इसमें पाई की वैल्यू रख देते हैं, 2 × 3.14 एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू आएगी 6.28 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है 3 + √3 × 2 + √2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 × 2 + √3 × √2 + √3 × √2। अब 3 × 2 हो जाएगा 6, √3 × √2 हो जाएगा 3√2, √3 × 2 हो जाएगा 2√3, और यहां पर है √3 × √2। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, √a × √b = √ab, तो ये हो जाएगा √3 × 2, √a × √b = √ab, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 6 + √2 + √3 + √3 × 2 = √6, that is the answer. चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई 3 + √3 × 3 − √3। ये देखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे a + b × a − b, जैसा कि हम जानते हैं a² - b² = a + b × a − b, ये उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 3 + √3 × 3 − √3 हो जाएगा a² - b², यानी a है इसमें 3 और b है √3। a² = 3² - b² = √3², तो 3² हो जाएगा 9 और √3² हो जाएगा 3, तो 9 - 3 = 6, दैट इज द आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है √5 + √2² चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a + b² जैसा कि हम जानते हैं a² + b² + 2ab, तो यहाँ a² + b² + 2ab, यानी √5² = 5 + √2² = 2 + 2ab, यानी 2√5/√2। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लग जाएगा, √a × √b = √ab,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 दैट इज 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी सिंपली उसी तरीके सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इफ पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर देन हाउ पाई इज इरेशनल। इस सवाल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देर इज नो कॉन्ट्रोडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल बिकॉज ऑन स्केल और ऑन ए टेप वी ओनली गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसा कि हम स्केल से नापे किसी भी सर्किल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर, तो हमें कभी भी नहीं मालूम होता कि हमें जो वैल्यू हमको मिली है सर्कमफेरेंस की या डायमीटर की वो रैशनल है या इरेशनल है। हमें हमेशा जो वैल्यू मिलती है वो अप्रोक्सीमेट ही मिलती है। इसीलिए वी कैन नेवर नो थ्रू स्केल और टेप वेदर सर्कमफेरेंस और डायमीटर इज रैशनल और इरेशनल। जो भी वैल्यू हमको सर्कमफेरेंस या डायमीटर की मिलती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस या डायमीटर में कोई भी एक वैल्यू इरेशनल हो सकती है, और ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन ए नंबर लाइन, इसको भी हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले 9.3 यूनिट की एक लाइन खींच लेंगे ए और बी, और उसके बाद एक सिंगल यूनिट की लाइन खींच लेंगे बी और सी। अब ए बी सी लाइन के मिड पॉइंट में यानी ओ से एक सेमी सर्कल खींच लेंगे, ये इस तरह से सेमी सर्कल आएगा, और बी से 90 डिग्री पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे डी, और बी और डी की जो वैल्यू आएगी वो होगी अंडर रूट 9.3। और बी को अगर हम नंबर लाइन पे जीरो मान लें तो इसको यहाँ से एक आर्क खींचे, इस तरीके से हम अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, जिसमें पहला है 1 अपॉन अंडर रूट 7। 1 अपॉन अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 हमें डिनोमिनेटर से हटाना है। बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट 7 को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 और नीचे आएगा अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 दैट इज 7। अगला देख लेते हैं। अगला है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो नीचे से अंडर रूट हट जाए। अगर हम इसको a माइनस बी मान लें और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और नीचे आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर दैट इज 7 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 6 यानी 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें a प्लस बी हमारे पास है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज ऊपर तो रहेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये तो वैसे ही रहेगा नीचे 5 माइनस 2 दैट इज 3 दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2।
इसमें भी a माइनस बी हमारे पास है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर दैट इज 7 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस 2 ऊपर वैसे ही रहेगा नीचे 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 दैट इज द आंसर। दोस्तों यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।